हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डिजिटेक। और आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है, चाहे आप स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो या फिर कोई एंटरप्रेन्योर हो। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये एक हाईटेक और बहुत ही फास्ट दौर है, जिसमें कि हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करने वालों की ज़रूरत है। और हर कोई ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो कि घंटों का मिनटों में कन्वर्ट करना जानता हो या कन्वर्ट कर सके। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने वाला हूँ, जिससे आप किसी भी हैंड रिटन नोट्स को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और खाली हैंड रिटन नोट्स को ही नहीं, बल्कि आप बुक के पेजेस को भी टेक्स्ट में या फिर वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो भी हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट में। तो कोई ज़रूरत नहीं है 500 वेबसाइट ढूंढने की। और अगर मान लीजिए आपको वेबसाइट मिल भी जाती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि वो वेबसाइट आपको, आपके लैपटॉप को, आपके मोबाइल को इन्फेक्ट नहीं करेगी? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, यू विल गेट द सॉल्यूशन टू कन्वर्ट हैंड रिटन नोट्स टू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अब वो नोट्स चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूँ, उस टेक्निक से आप हैंड रिटन नोट्स को, इमेज जिसमें टेक्स्ट अवेलेबल हो, या फिर बुक की पेजेस को भी आप वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। उसके लिए हम चलते हैं गूगल ड्राइव पे, और यहाँ पे मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है इमेजेस टू टेक्स्ट। अगर आप भी इस तरह का कोई फोल्डर क्रिएट करना चाहते हैं, तो ड्राइव के लिए जो प्लस आइकन है, प्लस न्यू, उससे आप फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसी फोल्डर के अंदर अपनी जो फाइल्स हैं, जो इमेजेस हैं, मतलब जो हैंडरिटन टेक्स्ट है, उसको मैं अपलोड करूं। तो मैं यहां पे ड्रैग कर सकता हूं फाइल्स को। तो उसके लिए मैं चलता हूं अपने फोल्डर की तरफ। मैं यहां से एक फाइल को पिक कर लेता हूं और ड्रैग करके मैं गूगल ड्राइव पे इसको अपलोड कर देता हूं। मेरी पहली फाइल आ चुकी है, है ना। मैं चलता हूं दूसरी फाइल को लेने के लिए। मैं चाहता तो वैसे दोनों साथ में भी कर सकता था, चलिए कोई नहीं। अब मैं दूसरी फाइल को लेता हूं, दूसरी फाइल को भी यहां पे जाके मैं अपलोड कर देता हूं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरी दोनों फाइल्स यहाँ पे अपलोड हो चुकी हैं। तो पहले मैं पिक करता हूँ जो कि रेडीमेड टेक्स्ट है, मतलब जो इमेज हमारे पास अवेलेबल है, इसको मैं ओपन विद करता हूँ राइट क्लिक करके गूगल डॉक्स पे आप क्लिक कर दीजिए। गूगल डॉक्स पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि इमेज को आपको मतलब आपकी इमेज को कन्वर्ट कर रहा है ये डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट में। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं, इसने आपके डॉक्यूमेंट को, मतलब आपकी इमेज को कन्वर्ट कर दिया है डॉक्यूमेंट में। फर्स्ट सेक्शन जो है वो इमेज ही आपको दिखाई पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा स्क्रॉल करके नीचे। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, जहाँ पे कि आपका जो टेक्स्ट है, जो कन्वर्टेड टेक्स्ट है, वो आपको दिखाई पड़ जाएगा। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। एंड इसके साथ साथ आप एक बार चेक भी कर सकते हैं कि मतलब ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे देखिए, मैंने मे के साथ बी को रिमूव कर दिया, और उसके बाद वापस मैंने राइट किया इसको, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को, अपने इमेज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद, डाउनलोड के बाद, यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है एमएस वर्ड का, इस फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो मतलब आपकी फाइल जो है वो एमएस वर्ड में डाउनलोड हो चुकी है। आप इस पे क्लिक करके ओपन करके देख सकते हैं कि जो फॉर्मेटिंग वगैरह है, मतलब जो आप चाहते थे, मतलब जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, वो आया है कि नहीं आया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहले आपकी इमेज, एंड इमेज के बाद आपको स्क्रॉल करना है नीचे। आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। एंड ये आपका टेक्स्ट, ये टेक्स्ट आपका अवेलेबल है। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करने के बाद ये रेडी टू यूज़ है। तो आपका कितना टाइम बच गया आपका, कि मतलब आपको पूरा वो टाइप करना पड़ता, इस टाइपिंग से बच गया आप। एंड उसके बाद हम वापस आते हैं ड्राइव पे। एंड ड्राइव पे आने के बाद हम चलते हैं अपने हैंड रिटन टेक्स्ट पे, जो हमारा हैंड रिटन टेक्स्ट है। इस पे आपको राइट क्लिक करना है, सेम प्रोसीजर को आपको रिपीट करना है। राइट क्लिक करिए इस पे, ओपन विथ गूगल डॉक्स। एंड गूगल डॉक्स पे क्लिक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा। थोड़ा सा टाइम लेगा गूगल डॉक्स को कन्वर्ट करने में। कन्वर्ट करने के बाद बिल्कुल सेम फॉर्मेट जैसे कि आपको पहले मिला था, वैसे ही यहाँ पे आपकी इमेज आ चुकी है। एंड देन उसके बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। एंड स्क्रॉल करिए आप इसको। स्क्रॉल करने के बाद जो इमेज है, उसका जो टेक्स्ट में कन्वर्जन है, वो आप नीचे देख सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, जो इमेज थी, जो टेक्स्ट आपका हैंडरिटन टेक्स्ट था, वो इमेज से आपका एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत आपको फॉर्मेटिंग का ध्यान रखना पड़ेगा इसमें, और फॉर्मेटिंग करने के बाद ये टेक्स्ट आपका रेडी टू यूज़ है। तो है ना, कितना यूजफुल टेक्निक आपके लिए। तो इस टेक्निक आप यूज़ करके देखिए, ये आपको 100% हेल्प करेगी। एंड उसके बाद फिर आपको जाना है फाइल पे। फाइल पे जाने के बाद आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद जो आपके सामने ऑप्शन है एमएस वर्ड पे क्लिक कर दीजिए, तो ये फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी एमएस वर्ड फॉर्मेट में। एंड आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ये फाइल जैसी रिक्वायर्ड फॉर्मेट था, उस तरीके से आई है कि नहीं आई है। तो पहला आपका इमेज, इसको आप डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल की रिक्वायरमेंट है। तो आप इसको, इमेज को हटा दीजिए यहाँ से, इमेज को डिलीट कर दीजिए। एंड देन उसके बाद जो टेक्स्ट अवेलेबल है, जो कि रिक्वायर्ड फॉर्मेट था, वो आपके सामने अवेलेबल है। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज को या फिर हैंड रिटन टेक्स्ट को आप वर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखा कि हमने इंग्लिश को तो कन्वर्ट कर लिया, चाहे वो हैंड रिटन फॉर्मेट में हो या फिर रेडीमेड टेक्स्ट अवेलेबल दिस इमेज के अंदर, उसको तो हमने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस का क्या? अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि गूगल इंग्लिश के अलावा बाकी कौन कौन सी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो उसके लिए आपको गूगल पे जाना पड़ेगा एंड गूगल पे जाके आपको टाइप करना है गूगल हैंडराइटिंग इनपुट्स। एंड गूगल हैंडराइटिंग इनपुट्स लिखने के बाद आप देख सकते हैं पेज को स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए एंड इसके बाद जो ऑप्शन है support.google.com FAQs, इस पर आप क्लिक कर दीजिए एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा विच लैंग्वेजेस आर सपोर्टेड। ये देखिए देख रहा हूँ, जैसे कि मैं देख रहा हूँ बंगाली अवेलेबल है, तमिल, तेलुगु और वैसे ही बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस हैं, हिंदी भी अवेलेबल है। तो इन सारी लैंग्वेजेस के डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपके पास हैं, मतलब इमेज फॉर्मेट में है, हैंडराइटिंग फॉर्मेट में है, तो आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, ये काफ़ी यूजफुल टेक्निक। तो इस टेक्निक का यूज़ करके आप अपने हैंडराइटिंग नोट्स को, इमेज को या फिर बुक के किसी पेज को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा चैनल है माई डिजी टेक और इस चैनल पे टेक्निकल वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इस पर कमेंट करना ना भूलिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करूंगा मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू।